हेलो स्टूडेंट, सही कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नया वीडियो। और बच्चों, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं धातुओं के प्रमुख अयस्कों को, जो कि बहुत सारी आपकी धातुएं हैं आपके सिलेबस में, जो 4-5 धातुएं हैं जिनको हमें बहुत अच्छे से समझना है, उनके अयस्कों के बारे में समझना है। बच्चों, यहाँ पे आप ये जो अध्याय है, अध्याय 6, इस अध्याय में सोचो 3 नंबर का आता है और वो विकल्प आते हैं, तो आपको उस हिसाब से इसकी तैयारी करना है, क्योंकि विकल्प में इनमें से पूछ सकते हैं। हम आपको यहाँ पर उन अयस्कों को स्टार करके लिख देंगे या बना देंगे इस प्रकार से, तो आपको उनको बहुत अच्छे से कर लेना है। वो उस धातु का प्रमुख अयस्क माना जाएगा या होता है, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पर हमने अभी आपको जो बोर्ड पर देख रहे होंगे, एक तो यहाँ पर एल्युमिनियम का अयस्क लिखे हुए हैं यहाँ पे इतने 6, और यहाँ पर लिखा हुआ है जो कॉपर के अयस्कों के नाम। इसके बाद बच्चों हम 3-4 धातु और उनके भी अयस्कों के नाम देखेंगे। तो आपको बच्चों यहाँ पे इस अध्याय के जो नोट्स, आज के वीडियो के नोट्स तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि आज के बच्चों यही वो है इसका नोट्स में लिखना है। तो आप इसका अपने हिसाब से ये प्रश्न बना सकते हैं, ऐसा ही प्रश्न बना सकते हैं कि एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्कों के नाम एवं सूत्र लिखिए, या एक साथ पूरे पूरी धातुओं का भी बना सकते हैं कि प्रमुख धातुओं के अयस्कों के नाम लिखिए, है ना। तो इस प्रकार से आप अपने हिसाब से पूरा एक साथ कॉमन बना सकते हैं और हेड एंड टेल के अयस्कों के नाम आप लिख सकते हैं, और एक कॉलम बना के आप इस प्रकार से क्या करेंगे, अयस्क का नाम एवं सूत्र, और ऐसे कॉलम बना के सबके आंसर लिख देंगे, ठीक। एक तरफ आप नारंगी के एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्कों के नाम लिखिए, एक प्रश्न बन जाएगा, और तरफ लिख देंगे एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्कों के नाम, और डैश लगा के फिर क्या करेंगे उत्तर में, एक तरफ आप लिखेंगे प्रमुख अयस्क का नाम और दूसरी तरफ लिख देंगे सूत्र, और इस प्रकार से इसको लिख लेंगे। ऐसे फिर दूसरा प्रश्न बना लेंगे, कॉपर के प्रमुख अयस्कों के नाम एवं सूत्र लिखिए, तो क्या करेंगे कॉपर का नाम, सॉरी अयस्क का नाम एवं सूत्र, और इस प्रकार से सारी बना बना के 4-5 धातुओं का जो है आप इस प्रकार से कर लेंगे। तो आज का बच्चों ये वीडियो में ही आपको नोट्स बनाना है, ठीक है। इसमें कोई और कुछ थ्योरी लिखा नहीं है, विकल्प के हिसाब से आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिए, अब हम सब शुरू करते हैं एल्युमिनियम के अयस्क से। बच्चों, अयस्क को समझने से पहले, इनको पढ़ने से पहले सूत्र हैं आपको याद करना है, इनके शॉर्टकट तरीका नाम लिखना कुछ हम बता देंगे, बस सूत्र आपको अच्छे से कुछ धातुओं के जो है जैसे जो है अयस्कों के नाम याद रखना है। बच्चों, आप उम्मीद है अयस्क को समझ गए, और अयस्क किसे कहते हैं इसको समझने के लिए आपको आता है कि नहीं आता है अयस्क, तो वो हम यहाँ पर एक आपको एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताना चाह रहे हैं, जिससे आपको थोड़ा सा ये पता चल जाएगा कि अयस्क होता क्या है। देखिए, एक कोई धातु है एम, एम मतलब मेटल, कोई धातु है जो कि एक्स वाय और जेड, एक्स वाय और जेड नाम के हमको क्या मिलता है, खनिज, ये हम खुदों को लाते हैं, वो हम खुदों को लाए एक्स वाय जेड, और उनमें क्या है तीनों में ये एम नाम की धातु है। अब कितनी कितनी है तो वो देखिए, वो क्रमशः है मान लीजिए 10%, ठीक है, 40% और 55%, ठीक है। प्रश्न सुनिए फिर से कि एक हमारी धातु है, कोई भी धातु हो सकती है, वो एक्स वाय जेड ये खनिज हैं, खनिजों में ये धातु पाई गई है। अब इनमें जो धातु की मात्रा है, ये धातु है, इन खनिजों में कितने कितने परसेंट में है वो देखिए, तो एक जो एक्स है उसमें 10% है, वाय है उसमें 40% है, और जो जेड है उसमें कितने परसेंट है, 55% है। तो बच्चों हम अयस्क किसे कहेंगे, अब वो देखिए। अच्छा, एक चीज और समझ लीजिए बच्चों, जो एक्स से जो 10% हमें वो निकल रहा है, इसमें मान लीजिए हमारा जो लग रहा है खर्चा वो 100 रुपए लग रहा है, कितना लग रहा है 100 रुपए, और जो 40% निकल रहे हैं इसमें लग रहा है हमारा 50 रुपए, और ये जो है इसमें लग रहा है 120 रुपए खर्चा निकालने का, कितना मान लीजिए 1 किलो, ठीक है। हमें 1 किलो धातु निकालना है, तो एक्स से 10% जिसका हमारा खर्चा आ रहा है 100 रुपए, ठीक, 100 रुपए आ रहा है 1 किलो, हमें क्या कर रहे हैं 1 किलो जो लाए हैं, ठीक है, 1 किलो जो अयस्क लाए होंगे, खनिज लाए होंगे, उसमें से हमें जो निकालना है धातु कितनी मिल रही है, 10% मिल रही है, ठीक है। इसके बाद उसका खर्चा आ रहा है 100 रुपए, इसमें मिल रही 40%, इसका खर्चा आ रहा है 50 रुपए, और इसका 55% जो इसमें धातु है वो हमें 120 रुपए खर्चा आ रहा है। तो हम इसमें से किस धातु के खनिज को जो अयस्क कहेंगे, अयस्क किसे कहेंगे, देखिए यहाँ पे आपको देख रहा है बच्चों, इसमें जो धातु है, हमने अयस्क की परिभाषा पढ़ी है कि खनिजों से धातुओं को आसानी से और कम खर्च में जिसे प्राप्त किया जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। यहाँ पर कम खर्च में और आसानी से यहाँ कौन सी धातु प्राप्त कर रहे हैं, मुझे देखिए एक्स जो है 10% है, बहुत ही कम मात्रा में, खर्चा कितना आ रहा है 100 रुपए, तो ये तो हमें कहीं से कहीं नहीं जम रहा, क्यों नहीं जम रहा बच्चों, क्योंकि बच्चों बहुत कम मात्रा में एक तो धातु है इसमें, और खर्चा भी इसका बहुत है, तो इसको तो हमें प्रॉफिट होगा नहीं, लाभ उसमें हमें नुकसान हो जाएगा, देना पड़ेगा, ठीक, तो ये तो नहीं हो सकता। बाय बाय बच्चों कितना, 40% इसमें धातु है, और उसका खर्चा कितना आ रहा है 50 रुपए, इसमें कुछ हमारा काम बन रहा है ना बच्चों,
तो इसमें हमें ऐसा लग रहा है कि इसमें काम हमारा बन जाएगा, क्योंकि धातु जो 40% बहुत होती है, 40% खर्चा सबसे बड़ी बात, इसमें खर्चा भी सारा कम आ रहा है। ठीक, अब आते हैं देखिए इस पर, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि धातु जो जेड है, जेड में जो जेड खनिज है उसमें जो धातु की मात्रा है वो 55% बहुत ज्यादा है, लेकिन बच्चे यहाँ पर हमें दिख रहा है कि इसका खर्चा भी कितना आ रहा है, बहुत ज्यादा आ रहा है, 120 आ रहा है इसका खर्चा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें लग रहा है बच्चों कि यहाँ पर खर्चा ज्यादा लग रहा है, इसलिए हम इसको भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि खर्चा ज्यादा लगाना पड़ेगा, लागत ज्यादा लगाना पड़ेगा, इसलिए हम इसको भी नहीं करेंगे। तो हम इसको भी ऐसे नहीं मानेंगे। अब हम ऐसे कैसे मानेंगे, जिससे हम धातु प्राप्त कर रहे हैं कम और आसानी से, कम खर्च में और आसानी से, तो इसे हम क्या कहेंगे, ऐसे कहेंगे। तो हमारा जो धातु हो जाएगी ऐसे कौन हो जाएगा, बाय ऐसे हो जाएगा, और उसमें परसेंट कितनी है, 40% है, और 50% उसका खर्चा आ रहा है। तो इस प्रकार बच्चों जिस भी ऐसे खनिज में आसानी से और कम खर्च में हम ऐसे को प्राप्त करते हैं उसको जो क्या कहते हैं, ऐसे कहते हैं। ठीक है, फिर से सुनिए, जिस भी खनिज से हमें कम खर्च में अधिक मात्रा में जो हमें ऐसे मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, ऐसे कहते हैं, उस खनिज को हम क्या कहते हैं, ऐसे कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कौन से जो है खनिज को हम ऐसे कहेंगे। ठीक है, और इस प्रकार से बच्चों अब हम आते हैं हमारे ऐसे की तरफ। बच्चों देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ऐसे हमारे यहाँ पर पहला एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का संकेत Al होता है, इसका परमाणु क्रमांक बच्चों आप आवर्तश्रेणी में देखेंगे तो 13 होगा। ठीक है, ये समूह 13 का तत्व है। ठीक है, समूह 13 का तत्व है, एल्युमिनियम है, दूसरे आवर्त का तत्व है। ये सब चीजें आपको बेसिक चीजें हैं, जानकारी होगी 11वीं से। अब हम बच्चे जब इसके ऐसे मतलब ये खुद को लाते हैं बच्चों, जब ये जो है बड़े बड़े ढीलों के रूप में होता है, पत्थरों के रूप में होता है, लंगा के रूप में होता है, आप जानते होंगे। ठीक, तो इस रूप में रहता है, तो बच्चों इसको सबसे पहले क्या कर जाता है, जब इसको धातु प्राप्त करेंगे तो उसको पीसा जाता है। तो ये प्रोसेस बच्चों हम आगे पढ़ेंगे, इससे पहले हम इसको ऐसे को देखते हैं। देखिए सबसे प्रमुख ऐसे बच्चों जो है एल्युमिनियम का वो बॉक्साइड है। प्रमुख क्यों बोल रहे, क्योंकि बच्चों इससे आसानी से और कम खर्च में जो है यहाँ पर हमें एल्युमिनियम मिल जाता है। कभी कभी बच्चों इस प्रकार से सूत्र दे देते हैं, कुछ इसके दे देंगे 3 सूत्र, 1 सूत्र यहाँ से दे देंगे और पूछ लेंगे निम्न में से एल्युमिनियम का अयस्क है, तो हमको सबसे पहली बात ये है उसमें देख लेंगे अगर उसमें एल्युमिनियम उपस्थित है तो उसका अयस्क है, नहीं होगा जैसे 3 ये सूत्र दे दिए और 1 यहाँ से दे दिए तो एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा होगा, जिसमें एल्युमिनियम होगा। देखिए यहाँ पर सभी में एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का अयस्क इसलिए कह रहे हैं कि उसमें एल्युमिनियम उपस्थित है, जब एल्युमिनियम होगा ही नहीं तो उसको क्यों कहेंगे। देखिए यहाँ पे जितने भी एल्युमिनियम के अयस्क हैं सभी में क्या है, एल्युमिनियम उपस्थित है, इसलिए हम इसको एल्युमिनियम के अयस्क कह रहे हैं। अब जिससे कम खर्च में और आसानी से प्राप्त हो रहा है उसको हम प्रमुख अयस्क मान रहे हैं, हमारा प्रमुख अयस्क हो गया। ठीक, तो देखिए हमारा जो सबसे प्रमुख अयस्क है बॉक्साइड है, और इसमें से बच्चों प्रश्न में बनता है कभी भी कि बॉक्साइड का सूत्र लिखिए, एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क का नाम लिखिए, या बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है, किस धातु का है, एल्युमिनियम का। तो ये सब चीजें बच्चों आपको बहुत अच्छे से विकल्प यहाँ से आपको तैयार करना है, इसके विकल्प बच्चों जो है आपको मिल जाएंगे, ये हम बाद में देंगे, लेकिन आपको साथ में जो नोट्स टाइप का है वो नोट्स हमने आज बता दिया, प्रश्न आपको इस प्रकार से बना लेना है, लास्ट में आपको विकल्प इसके मिल जाएंगे। ठीक, देखिए अब इसको याद करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले रखेंगे कोरंडम, डायस्पोर, इवॉक्साइड, इक्रायोलाइट, फेल्सपार और माइका, ये इस प्रकार से हमने नाम है, तो इसको हमने कोशिश की है आपको सरल तरीके से याद हो जाए, आपको सरल तरीके से समझ में आ जाए। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों इसको हम याद करेंगे तो इसको ऐसे कर सकते हैं, इसका हम ले लेंगे काक्ष, जो काल फलेट है वो ले लेंगे, इसका हम डा ले लेंगे और वा का हम वा ले लेंगे। तो देखिए बच्चों ये क्या बन गया, ये बन गया आपका कड़वा, तो क्या बन गया, ये कड़वा बन गया बच्चों। ठीक है, कड़वा क्रायोलाइट, इसका पूरे नाम लिख देंगे तो कह जाएगा कड़वा क्रायोलाइट, और फेल्सपार हम ले लेंगे फेल, तो कड़वा क्रायोलाइट फेल, क्या बन गई इसकी ट्रिक, कड़वा क्रायोलाइट फेल, है ना, फेल कहाँ हो गया, माइका, यानी माइके में कह सकते हैं अपने याद रखने के लिए। ठीक, कड़वा क्रायोलाइट फेल हो गया माइके में, क्यों, क्योंकि माइके में उसकी जो मम्मी है उसने बहुत लाड़ प्यार किया, उस चक्कर में वो यहाँ पर फेल हो गई। ठीक, ससुराल में थोड़े से सास से डर के रहते इसलिए वो है ना पास होती, लेकिन यहाँ पर वो फेल हो गई। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि एल्युमिनियम जो है उसकी ट्रिक याद रख सकते हैं, कड़वा क्रायोलाइट फेल। अब बच्चे याद कैसे करेंगे, इसको कहाँ से हो जाएगा कोरंडम, आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है तब तक आपको समझ में आएगा कि कहाँ से कौन सा आपका अयस्क बनेगा। तो कहाँ से कोरंडम, डा से डायस्पोर, देखिए डायस्पोर, और वा से बॉक्साइड, क्रायोलाइट जंग रहेगा कड़वा क्रायोलाइट फेल, फेल से फेल्सपार, और माइका आपको याद रखना है। अब देखिए अब आते हैं इनके सूत्र की तरफ, तो सूत्र बच्चे बहुत ही सिंपल है, आपको पहले सबसे पहले याद रखना है Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड बोलते हैं इसको, तो Al2O3 इसमें जल का एक भी अणु नहीं है। ठीक, फिर इसके बाद हमने Al2O3 एक बार और लगा तो इसमें जल का एक अणु जोड़ दिया, फिर Al2O3 एक बार और लगा उसमें दो जल के अणु जोड़ दिए, तो
हमें मतलब तीन बार Al2O3 लिखना है, और फिर उसमें पहले में एक जल कण, दूसरे में एक जल कण, तीसरे में जल की दौड़, इस प्रकार से हम जोड़ते जाएंगे तो हमारे तीन जो है इम्पोर्टेंट वाले जो सूत्र बन जाएंगे। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट आपका ऑक्साइड को बहुत अच्छे से याद रखना है आपको, Al2O3.2H2O जल के दौड़ होते हैं, ठीक है। अब आता है क्रायोलाइट, और क्रायोलाइट का सूत्र आपको दिख रहा होगा जो Na3AlF6 का बहुत इंपॉर्टेंट उपयोग है, जब हम आगे इस धातु का निष्कर्षण करेंगे तो उसमें इसका उपयोग होता है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी फेल्सपार का जो सूत्र है वो पोटेशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन और ऑक्सीजन है, तो उसको जो है फेल्सपार एल्यूमिनियम का जो VIS है इसको ट्रिक रख से याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हो कि सिक्का AL से हो जाएगा अल कल, पर SI से हो जाएगा C, O से हो जाएगा O, तो कैल्शियम क्या सी हो 38 मतलब कैल्शियम 38 बार 38 बार सीना कल, ठीक है। तो आप जो भी चीज वही गलती से वो अपन को यहाँ पर लगाना है सेलना, ठीक है। अब यहाँ पर आता है माइका, माइका का सूत्र आपको ये दिख रहा है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कोशिश की है कि ज्यादा ज्यादा आयस करना है, इसलिए हमने इसको माइका को भी लिख दिया है, ठीक। तो K2O2 Al2 और O3 Al2O3 तो सब बच्चों शरीर में आ रहा है, यहाँ पर Al2O3 इसमें भी आ रहा है, यहाँ पर अपनको K2O2 याद रखना है, और साथ में 6SiO2 ये सी का होती है रेत का सूत्र, और 2H2O, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाते हैं एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क, तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है बच्चों, फोकस करना है ऑक्साइड पर, ठीक है। इस पर विकल्प बनेगा तो आप समझ जाएंगे विकल्प कैसे आएंगे। अब हम आते हैं बच्चों नेक्स्ट हमारे अयस्क नेक्स्ट धातु कॉपर की तरफ, तो चलिए शुरू करते हैं कॉपर के लिए। तो देखिए बच्चों यहाँ पर कॉपर जो धातु है इसको आपको थोड़ा सा बेसिक चीजें ही पता होगा, इसका परमाणु क्रमांक कितना है बच्चों, इसका परमाणु क्रमांक होता है 29, कितना है परमाणु क्रमांक 29 है, और इसके अलावा यह जो है +1 और +2 ऑक्सीजन अवस्था दर्शाता है, मतलब ये जो है इस प्रकार से आपका Cu+ के रूप में भी पाया जाता है और Cu2+ के रूप में भी पाया जाता है, ये दोनों रूपों में इस प्रकार से पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। कॉपर का जो प्रमुख अयस्क जो स्टार लगा हुआ है ये है कॉपर पायराइट, कहीं कहीं पे इसका नाम कॉपर पायराइटिस भी लिखा रहता है बच्चों। इसकी खास विशेषता ये है इसे मूर्खों का सोना कहा जाता है, मूर्खों का सोना मतलब ऐसा दिखता है जैसे सोना हो, आप जानते हैं बाजारों में बेल्टेक्स का जो सामान आता है सोने का बोल के उसको कभी कभी कोई लोग बेच देते हैं, तो इसे मूर्खों का सोना भी कहा जाता है, गोल्ड है ना, फूल्स गोल्ड, इसलिए आपको बहुत अच्छे से याद रखना है मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है कॉपर पायराइट को। इसका सूत्र आपको अच्छे से याद रखना CuFeS2, ठीक है। ये सल्फाइड अयस्क है, अगर कभी कभी ऐसा नाम आ जाएगा कॉपर के एक सल्फाइड अयस्क का नाम रखिए, वो जो कॉपर का सल्फाइड अयस्क आपके ये दोनों ही है, क्यों सल्फाइड अयस्क, क्योंकि इसमें भी सल्फर और इसमें भी सल्फर, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं कॉपर का जो है सल्फाइड अयस्क है। ऑक्साइड अयस्क क्या होते हैं जिनमें ऑक्सीजन होता है, कार्बोनेट अयस्क क्या होते हैं जिनमें कार्बोनेट होता है। देखिए कॉपर का ऑक्साइड अयस्क यहाँ पर दिख रहा है हमें, कार्बोनेट अयस्क ये है और एक ये है, इसमें क्योंकि CO3 कार्बोनेट होता है, ये कार्बोनेट अयस्क है, ये ऑक्साइड अयस्क है, और ये दो सल्फाइड अयस्क है। तो इस प्रकार से अगर कभी वर्णन आ जाता है कि इनके ऑक्साइड अयस्क का नाम लिखिए सल्फाइड अयस्क का नाम लिखिए, तो आपको इस प्रकार से समझ के लिख देना, उसके नाम नहीं छिपा हुआ है, सल्फर है जिसमें सल्फाइड अयस्क, ऑक्सीजन है अकेला तो ऑक्साइड अयस्क जैसे इसमें ऑक्सीजन है, ठीक, और अगर CO3 कार्बोनेट है तो उसको कार्बोनेट अयस्क बोलते हैं। तो इसका कॉपर पायराइट को आपको इंपोर्टेंट है याद रखना है, कभी आ जाएगा कॉपर पायराइट का सूत्र होता है तो CuFeH2 करना है, और अगर ऐसा आ जाएगा CuFeH2 किसका सूत्र है तो आपको याद रखना है कॉपर पायराइट का, किस धातु का अयस्क है तो कॉपर का प्रमुख अयस्क कौन सा है तो कॉपर पायराइट। इस प्रकार से आपको घुमा फिरा के 5-6 प्रश्न आपके इस पे से ही बन जाएंगे, तो आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब अगला है हमारा कॉपर ग्लांस, कॉपर ग्लांस में जो इम्पोर्टेंट है Cu2S आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक। इसके अलावा मैलेकाइट का सूत्र बच्चों आपको याद रखना है CuOH का होल थ्राइस, इसको कैसे पढ़ते हैं CuOH का होल थ्राइस .CuCO3, ठीक है। कॉपर कार्बोनेट क्यू प्राइड का सूत्र बच्चों Cu2O, इसको रूबी कॉपर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक, इसलिए हमने यहाँ पर कोष्टक में लिख दिया है। आप बच्चों इनको क्या करेंगे अच्छे से सबको एक साथ लिख के एक लिस्ट बना के जहाँ पे आप अध्ययन करते हैं स्टडी करते हैं वहां पर आप चिपका लेंगे, ठीक है। इसको दीवार पर, इसको दिमाग पर, और दिमाग पर कैसे चिपका हुआ है ना, इसको दिमाग में नहीं दीवार पर चिपकाना है, दिमाग में फिट करना है, ठीक, याद रखने के लिए। और आप सिंपल इनको एक दो बार देखेंगे तो याद हो जाएंगे, और थोड़े थोड़े देखते रहा करो हर दिन, जो इम्पोर्टेंट है इनको सबसे पहले याद करना। क्यूप्राइड का सूत्र Cu2 हो जाएगा, एज्यूराइड का सूत्र होता है CuOH का होल ट्राइड .2CuCO3। तो जो मैलेकाइट और एज्यूराइड जो है इसको हमने सिर्फ ट्रिक की वजह से ऐसे लिखा नहीं, तो इसको यहीं पर लिख देते तो दोनों के सूत्र एक जैसे हो जाते, सिर्फ यहाँ पर क्या है यहाँ पर कॉपर कार्बोनेट जो है वो ज्यादा मात्रा में कॉपर कार्बोनेट,
देखिए यहाँ पर सीयू सीयू थ्री एक बार है और यहाँ पर सीयू सीयू थ्री दो बार है, बाकी सूत्र आते यहाँ पर एक चीज और अंतर है, यहाँ पर ये तीन बार था, ये कितनी बार है, दो बार है यहाँ पर, तो ये इसमें अंतर हमारा आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमको यहाँ पर ध्यान रखना है सभी को, ये हमारे बन जाते हैं आपके सूत्र, इस प्रकार से सभी बच्चे जो है याद रखेंगे। यहाँ पर बच्चों एक चीज ध्यान रखेंगे, ये COOH का वोल्टवाइज है, ये भी यहाँ पर क्या है, COOH का वोल्टवाइज ही है, क्योंकि ये बच्चों आपको पता होगी, अभी हमने आपको बताया था कि या तो प्लस वन में पाया जाते हैं, प्लस टू में, मतलब प्लस वन मतलब यहाँ पर देखिए दो ही होगा तभी जाके इसके ऊपर प्लस टू होगा, क्योंकि OH के ऊपर दो एक माइनस होता है, दो ऊपर कितने, दो माइनस, जब हटेगा तो प्लस दो आ जाएगा, अगर यहाँ पर तीन होती है तो तीन प्लस आ जाता है, तीन प्लस में कॉपर नहीं पाया जाता, ये आपको सही करके लिख लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों ये हो जाते हैं इनके सूत्र। अब बच्चों इसकी जो ट्रिक है आपको याद रखना है, ट्रिक है क्या करेंगे, ट्रिक में याद रखने के लिए आप इसकी ट्रिक रखेंगे याद, काका मैले क्यों। ठीक है बच्चों, आपको इनकी ट्रिक याद रखना है, काका मैले क्यों, एज यू राइट, काका मैले क्यों है, सही कहा, इस प्रकार से आपको ये याद हो जाएगी क्रम से, और ये आपको सूत्र अच्छे से आपको खुद ही याद रखना है, बाकी इसकी ट्रिक आपको इस क्रम से याद रखने के लिए, इस ट्रिक से याद रखने से आपको क्या हो जाएगी, पांचों नाम याद हो जाएंगे कि कॉपर के कौन कौन से अयस्क हैं। ठीक है, तो पहला हमने इम्पोर्टेंट वाला ये रखा, इसमें कॉपर पायरेट। बच्चों आज का जो वीडियो लेक्चर है इसमें हम इन्हीं को बस यहीं पर इस टॉपिक को खत्म करते हैं, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो है वीडियो में हम जो क्या करेंगे, इसके जो नेक्स्ट और भी धातुओं के तीन चार धातुओं और हैं उनके अयस्कों के नाम भी आपको सिखाएंगे और यहाँ पे लिखवाएंगे, कुछ उनसे जुड़ी इंपॉर्टेंट बातें भी आपको बताएंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल श्री कोचिंग क्लासेस बेग मंच पर, तब तक के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।